अनुपमा में भी आए हैं गणेश जी। अब पापा आए हैं तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूं ही थोड़ी ना उन्हें कहते हैं विघ्नहर्ता। भाई हम तो बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि अनुज किसी तरह से जल्दी से ठीक हो जाए। अब गणपति बप्पा घर में पधारे हैं तो भाई खुशियां भी तो लाएंगे। इधर अनुपमा का परिवार आज फिर से एक हो गया है। इस सब ने बीती बातों को भुलाकर अब आने वाले पल को गले लगा लिया है। गणपति बापा के स्वागत में ये सभी व्यस्त हैं। इतने में हो गया ये किंजल को लेबर पेन। फिर क्या, अफरा तफरी में किंजल को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर एक गुड न्यूज मिली कि अनुपमा दादी बन गई। तो वही वनराज दादाजी। घरे लक्ष्मी जी पधारी छे, बेटी हुई है। बधाई हो दादाजी। लक्ष्मी घर आ गई है। अब अनुपमा और वनराज इतने खुश हैं, साथ ही परिवार वाले भी। लेकिन ये खुशी क्या अनुज को रास आएगी? अनुपमा और वनराज जब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे वो पल शायद अनुज को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वनराज का हाथ अनुपमा के कंधे पर है। यानी कि सब कुछ ठीक होते होते भी कहीं न कहीं कोई बात तो ऐसी हो ही जाती है जहां पर रिश्तों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे मैं परदादी बन गई। बताइए बाबूजी, आप परदादा बन गए? परदादी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।